हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू माई सेल्फ जतिन दवे फ्रॉम आशापुरा स्कूल एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस. टुडे वी डिस्कस इन वीडियो ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अवर मेन टॉपिक बट स्टार्टेड बिफोर द अवर टॉपिक वी डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट वॉट इज द न्यूट्रिशन एंड what is the type of nutrition. So do you know very well what is a nutrition? A nutrition is a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism to the inside is called the nutrition. Nutrition kya hai? Ye humne pichle episode mein aapko bataya, process of the transfer of source outside the body into inside there. हमारे बॉडी के बाहर से जो फूड रिसोर्सेस हैं उस फूड रिसोर्सेस को हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, बॉडी के इनसाइड में इसे एंटर करना, ये है न्यूट्रिशन. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? द ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस द क्लोरोफिल यूटिलाइज सोलर एनर्जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंथेसिस देयर ऑन फूड एज द ग्लूकोज अ सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. This process is known as the photosynthesis and which organism source the photosynthesis is called the photosynthetic organisms. So photosynthetic organisms like the green plants and some bacteria that have chloroplast or chlorophyll, there are all autotrophic organisms. तो हम बात ये कर रहे थे कि autotrophic organisms क्या है. तो autotrophic organisms ये हैं कि जो इन द एटमोस्फियर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो प्रेजेंस इन द सनलाइट, दे मेक्स द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर ऑन फूड. अपना खुराक वो अपने आप बना लेता है. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है. इसके लिए जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, दैट मीन्स क्लोरोफिल होना चाहिए और क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. तो वैसे ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड को एग्जिबिट करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन के बारे में. तो चलो आज का पॉइंट शुरू करते हैं. ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज सोर्स इन द नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म. जो आपको इंट्रोडक्शन दिया इसके पीछे यही वजह थी जहां से हमें हेटरोट्रॉपिक को शुरू करना है. Who is heterotrophic? Heterotrophic nutrition is sourced in the non-chlorophyllous organism. ये non-chlorophyllous organism है जिसे heterotrophic कहा जाता है. Complex nutrients prepared by the other organisms are used by the heterotrophics. और दूसरा character ये है कि जो complex nutrients हैं, जो complex nutrients prepare होते हैं other organisms से, इसका वो सीधा use करते हैं और अपने लिए nutrition को रिक्वायरमेंट जो है उसे कंप्लीट करते हैं. दिस फॉर्म्स ऑफ द न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड अवेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिजम्स. अच्छा किस तरह से यूज होता है दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन? कौन से फॉर्म का? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स जो अदर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करते हैं इसका यूज होता है. डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स, किस टाइप का ये मटेरियल है इसके हिसाब से ये डिफर होता है, अलग होता है. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स और कितनी मात्रा में ये अवेलेबल है इसको देखते हुए एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड और किस तरह से ये मिलता है. तो देखिए यहाँ पर थ्री पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंस है. सबसे पहली बात, जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशंस हैं देर आर डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं. दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स भी अलग अलग होता है. एंड देन थर्ड वन इज द ऑब्टेन बाय हाउ टू ऑब्टेन इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड सोर्सेज इज स्टेशनरी. ऐसा फूड सोर्सेज जो स्टेशनरी है मतलब कि परमानेंट नहीं है. ओके फूड सोर्सेज इज स्टेशनरी सच एज द ग्रास इज यूज बाय द काउ डियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो पहला फूड सोर्सेज ऐसा है जो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ द फूड रिसोर्सेज की और अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड रिसोर्सेज की. इसमें पहला है जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी फॉर्म में मींस के परमानेंट नहीं है. सच इज द ग्रास यूज बाय द काउ, जो काउ गाय यूज करती है इस टाइप. सेकंड फूड सोर्सेज इज द मोबाइल सच इज द डियर यूज बाय द लैंड.
दूसरा जो सोर्सेस है वो मोबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि वो गतिशील है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोरेशन होता है। जैसे कि लायन को अपना फूड प्रिपेयर करना है, अपना शिकार पाना है, उसे खुराक चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रे ऑफ द डियर्स, मतलब के डियर का शिकार करना पड़ेगा, और इसके लिए इसे हंटिंग के लिए क्या करना होगा, इसके पीछे पीछे चेस करना होगा, इसके पीछे भागना होगा। तो इस टाइप का फूड सोर्सेज है, ये मोबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो फूड सोर्सेज इज अ मोबाइल सच एज द डियर यूज बाय द लायंस। तो ये दूसरा टाइप हुआ, हाउ इट इज ऑप्टिंग, किस तरह से उसे मिलने वाला है। So there is a range of the strategies by which the food is taken in and used by the organism. तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि यहाँ पर आपको क्या देखना है, कौन सी strategy पर काम हो रहा है, कौन सी नीति के साथ काम हो रहा है, किस बारे में, food taken के बारे में, food taken in inside जो food take करना है and used by the organisms, तो इसकी बात कर रहे थे। अच्छा, कुछ इसी तरीके के modes देखने आगे बढ़ते हैं। First of all, some organism break down the complex food material outside the body and absorb it. कुछ organisms ऐसे हैं जो सबसे पहले complex food material जब उसे मिलता है तो उस food material जो outside the body है इसे break down करते हैं, छोटे छोटे हिस्से में divide करते हैं, मतलब कि decomposition करते हैं, and then absorb it, और इसके बाद इसे absorb कर लेते हैं। For example, fungus, fungi like the bread molds. ब्रेड पर जो आप मोल्ड्स देखते हैं, ये मोल्ड्स इसी तरह से यूज होता है, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म इसे ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी, और इसके बाद इसे एब्सॉर्ब किया जाता है। सेकंड है, सम ऑर्गेनिज्म टेक इन द कॉम्प्लेक्स मटेरियल एंड ब्रेक इन डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। दूसरा ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सबसे पहले इंजेस्ट कर लेते हैं, इंजेस्ट करने के बाद अपने बॉडी के अंदर इसे ब्रेक डाउन करते हैं और फिर इसका यूज होता है। तो ये हुआ स्ट्रेटेजीज ऑफ द फूड ऑब्टेनिंग। द मटेरियल कैन बी टेकन एंड ब्रोक डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन। तो किस पर डिपेंड करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ काम करेगा, तो ये डिपेंड करता है दो बातों पर, एक तो इसके बॉडी डिजाइन पर और दूसरा डिपेंड होता है इसके फंक्शनिंग पर। और इसके हिसाब से हम हेटरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्बिवरस एनिमल्स विच इज यूज ओनली अ प्लांट मटेरियल लाइक काउ एंड डीर। तो जो वेजिटेरियंस हैं, जिसे हम वेजिटेरियंस कहते हैं, वेजिटेरियन एनिमल्स, ये इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे हार्बिवरस एनिमल्स। तो हार्बिवरस एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए यूज करते हैं प्लांट्स मटेरियल, और ये है काउ एंड डियर। दूसरा है कार्निवरस, यूज अदर एनिमल्स टू प्रिपेयर देयर फूड लाइक द लायन। दूसरा है कार्निवरस, जिसे हम मांसाहारी कहते हैं, ये यूज करते हैं दूसरे अपने से छोटे या कम शक्तिशाली प्राणियों का यूज करते हैं। तीसरा है ओमनिवरस, विच इज यूज बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो देयर प्रोडक्ट्स टू। ओमनिवरस जो मिश्राहारी प्राणी है, ये प्लांट्स का भी यूज करते हैं और एनिमल्स का भी यूज करते हैं, कभी कभी इससे मिलने वाली अदर प्रोडक्ट का भी यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो हम भी इसके अंदर ओमनिवरस में इंक्लूड होते हैं। चलो थर्ड टाइप देखते हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सम ऑर्गेनिज्म डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ एक ऐसे भी हैं जो अपने जरूरत के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसे किल नहीं करते, इसे मारते नहीं है, बट उसका इस तरह से यूज होता है जिससे उसे हानि न हो और इस तरह से वो बेनिफिशियल बनते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड सम ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के कि जो पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी है, इसका कुछ ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल कसकटा, कैसकटा मींस द अमरबेल, लीच है, स्टेप वर्म्स है, ये इस तरह के पैरासिटिक एनिमल्स हैं जिसके अंदर यूज होता है डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, उसे कोई हानि पहुंचाए बिना ये इस पर से इस्तेमाल कर सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा मेन टॉपिक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। अच्छा, कौन कौन सी बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। सबसे पहली बात, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज सोर्स इन नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म। सेकंड, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिटिव प्रिपेयर बाय द अदर ऑर्गेनिज्म आर यूज इन द हेटरोट्रॉप्स। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द
type, availability of food materials, and also how it is obtained organisms. For example, food sources is stationary, such as the grass used by the cow, or sources mobile, such as the deer used by the lion. So there is a range of strategies by which the food is taken, eat, and used by the organism. So first, organisms break down the complex material outside the body and absorb it. For example, fungi. Some organisms take the complex material, breaking down inside their bodies, and the material can be taken in and broken down, depends on the body design and functioning. So first kind of the animals are the herbivorous animals, which is used the plant material, for example cow, deer. Second is the carnivorous, which is used the animals like the lion. Third, omnivorous, which use both plants and animals and also their product too, for example cockroach, man, etc. And third category is the some organism derive the nutrition from the plant and animals without killing them. This called the parasitic nutritive strategy, and some organisms show the parasitic nutritive strategies like the cascata, leech, and stepworms. So dear friends, I hope so you understand very well. This is important question for the exam point of view. So please इसे अच्छी तरह से recall कीजिए, remember कीजिए. Next video में हम आगे बढ़ेंगे. अमोइबा के अंदर किस type का nutrition steps देखने मिलते हैं इसको लेकर. तब तक के लिए धन्यवाद.